इस टॉपिक के अंदर आ, हम चेक करते हैं जिस तरह हम चीजें ड्रा करते हुए और आ, बिल्कुल फाइनल आ, मरले की तरफ ड्रा मेन्यू को हम लेके जा रहे हैं तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैड की जो कमांड है जो कि इस टॉपिक के अंदर हम करना जा रहे हैं दैट इज़ क्रिएशन ऑफ टेबल टेबल बनाते कैसे हैं बनाने से पहले हमें थोड़ी सी अगर इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाए कि टेबल बनाते क्यों हैं कैसे हैं वाला जवाब जो है हम कैट के अंदर एग्जीक्यूट करके देखेंगे अभी बनाते क्यों हैं तो रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी है जो रोज़मर्रा हम इस्तेमाल चीज़ें कर रहे होते तो हैं उसमें टेबल की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैसियत है आप सब में जब जब आपने एक कॉमन अपना रिज़ल्ट कार्ड चाहे वो मिडल का हो चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे वो आपके एफ का हो चाहे बी का तो रिज़ल्ट कार्ड आपने जब भी देखा होगा तो वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है इस तरह कोई भी चीज़ बात हमने एंट्रीज़ करनी होती हैं हम कोई चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं उसको हमने लिखना होता है तो हम प्रेफ़र करते हैं टेक्स्ट में ना लिखें उसको और उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें क्योंकि टेबुलर फॉर्म जो है ये अट्रैक्टिव फॉर्म होती है और इजी इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है यानी टेबल को देखते साथ ही हमें बहुत सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद आइडिया हो जाती हैं अगर हमने उसको पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ हो लाइंस में लिखा हुआ हो और अब हम अगर स्पेसिफ़िक जिन प्रोजेक्ट्स को हमने यहाँ पे करना है अभी ऑटो कैड के अंदर आगे जाके उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल है हम एक हाउस प्लान की फर्ज फर, फर, फर करें बात कर रहे हैं हाउस प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हम कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है डोर्स हम दरवाजे लगाएंगे और दरवाजे मुख्तलिफ साइज़ के लगाएंगे जब आगे हम जाएंगे तो जो हमारा मरकजी दरवाज़ा होगा जिसमें से हम दाखिल हो रहे होते हैं अगर आप घरों का नोट करें तो वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है जो आपके अंदर वाले दरवाज़ों से जो आपके बेडरूम का दरवाज़ा हैं फिर आपके ज़्यादातर बेडरूम के दरवाजे बड़े होते हैं बाथरूम के दरवाज़ों से इसका मतलब है हमारे पास मुख्तलिफ़ के डोर हम दरवाज़े लगा रहे होते हैं फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की विंडोज़ होती हैं खिड़कियाँ जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास उसके मुख्तफ़ किस्म के साइज अवेलेबल होते हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन साथ में हम एक टेबल लगा देते हैं अच्छा फिर ऐसा भी होता है कि एक ही घर के अंदर हमने जो खिड़कियाँ लगाई हैं उसका मटीरियल डिफरेंट हो कुछ लकड़ी की बनी हुई हो कुछ आयरन की हो तो इनको हम साइड में टेबल बना के बता देते हैं कि ये जो हमारी विंडो वन थी हम उसे नाम दे देते हैं कि ये अगर जो हमारी लगी हुई है बेडरूम के अंदर वो विंडो वन है जो हमारी बेडरूम के साथ वाले रूम किचन में है वो विंडो टू है फ़र्ज करें तो हम फिर बता देते हैं कि विंडो वन जो है उसका मटेरियल ये है उसका साइज़ साइज़ भी डिफरेंट हो रहा होता है दस बाय बारह हो जाए कुछ किसी भी एंगल डायमेंशन यूनिट्स के अंदर तो मुख्तफ़ किस्म के इन्फॉर्मेशन हम साइट में दे रहे होते हैं फिर हमारे पास अगर हम एक हाउसिंग स्कीम की बात करें अक्सर आपने अगर कभी नोट किए हो जो स्कीम के हमारे डिज़ाइन लगे होते हैं तो उसमें पर कलर्स नज़र आ रहे होते हैं या सिर्फ हाउसिंग हाउसिंग स्कीम न ही हो कोई भी आप शहर में देखते हैं कोई चीज़ बाद उसका अंदर कलर होते हैं और साथ टेबल में इंफॉर्मेशन होती है कि जो सुरख कलर है सुरख रंग है ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है ये जो ग्रीन जो ज़्यादातर हमने जब कभी अपने ग्रीन स्पेसेस दिखानी हो पार्क वगैरह हम देखते हैं अपने नक्शों के अंदर तो वो लिखा होता है कि ये जो ग्रीन एरियाज़ हैं ये पार्कों को शो कर रहे हैं इसी तरह हमारे पास यानी जो इंफॉमेशन हमारे पास उस नक्शे में मौजूद है वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास साइड में एक टेबल मौजूद है और उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है तो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ ये हमारे पास इंपॉर्टेंस कुछ समझ आ गई और अब हम देखते हैं कि इन्हीं टेबल्स को हम आटो कैड के अंदर बनाते कैसे हैं तो आइए देखते हैं ये हमारे पास हमारी प्रीवियस जहाँ पे हमने अभी एंड किया है अपने दो टॉपिक्स को इसको हम अच्छा ये हम बार बार उसी ड्राइंग से स्टार्ट करने की एक रीज़न ये भी है कि एक तो हमारी कंटिन्यूटी रहे कि आपको भी ब्रेक ना लगे कि हमने जो टॉपिक ऑलरेडी एंड किया है सेम हमारी ड्राइंग है और वो चीज़ें हम अगली लेक्चर में जाके डिलीट करते हैं इसका मकसद ये है कि हमारा जो रिदम है वो मेनटेन रहे इसको हम यहाँ पर डिलीट करके तो ये हमारे पास एक हमने ड्राॅइंग जो है वो ब्लैंक ड्राॅइंग हमारे सामने है अब हम जा रहे हैं क्रिएशन ऑफ टेबल्स कि हमने किस तरह टेबल को बनाना है जिसकी अभी अभी इम्पॉर्टेंस देखी है अब उसी तरह टेबल बनाने के हमारे पास दो से तीन तरीके हैं उन तीनों तरीक़ों को भी हम देख लेते हैं और फिर हम इसको ड्रा करते हैं सबसे पहला हमारे पास ड्रा मेन्यू के अंदर से जहाँ से हम ऑलरेडी सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो टेबल की मौजूद है जिसके जैसे हमने क्लिक किया तो टेबल के साथ अगर आप उसकी आइकॉन देखें तो वो भी ऑलरेडी बता रहा है कि ये टेबल ही है जिसमें हमें कतारें और कॉलम नजर आ रहे हैं रोज एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है कैड में जो हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है ये मेथड नंबर वन है इसको हम यहाँ से अगर क्रॉस कर दें और अब हम स्टेप नंबर टू तो ये हम जहाँ जहाँ से हमने पहले काफ़ी सारी कमांड्स अपनी इस्तेमाल की हैं यहीं पे हमारे पास बिल्कुल आ, सेम उसी आइकॉन का जो हमने ड्रा से देखा हमारे पास टेबल मौजूद है और यहाँ पे वो आपसे बता रहा है कि क्रिएट्स एन एम्पटी टेबल ऑब्जेक्ट अ टेबल इज़ कंपाउंड ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स डाटा इन रोड्स एंड कॉलम तो हमें पता ही है टेबल हमने अक्सर देखे भी हैंक्सल में वर्क भी किया है और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमें एक्सेल भी नज़र आ रहा है इस इस सिंबल इस पिक्चर के अंदर क्योंकि आपने कर्सर यहाँ पे मूव किया है तो अगर आप साथ नोट करें तो यहाँ पे एक्सेल का टेबल भी नज़र आ रहा है तो इट मींस और ये आपको बता रहा है कि कैड और एक्सेल का आपस में ताल्लुक भी है तो इसी हमने आगे टेबल के भी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ जाकर हम देखेंगे कि किस तरह हम एक एक्सेल के टेबल को कैड के अंदर और फिर एक ऑटो कैड के टेबल को अगर इसके अंदर बनाया है उसको हम एक्सेल में कैसे लेके जा सकते हैं तो ये हमारे पास एक सेकेंड मेथड है इसको भी क्लिक करेंगे फिर भी हमारे पास सेम वही ओपन हो रही है चीज़ें जो हमने ऑलरेडी की हैं इसको हम अगर हम क्रॉस करें और तीसरा मेथड भी हम देख लें सो हम वही बात अगर आपको कोई कमांड कभी याद नहीं भी आ रही तो आपने जाके कमांड लाइन या स्क्रीन के ऊपर जब भी आपने लिखा तो ये अभी मैंने टेब टेबल अभी हम टाइप करें टेबल एडिट से नीचे टेबल की कमांड भी आ रही है अगर आप पूरा टेबल लिख लें तो वो कमांड भी आ जाएगी अगर आप यहाँ से पिक कर लें तो वो कमांड तो जैसे ही मैंने इसे पिक किया तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया तीन मेथड्स हमने इसको देखे ड्रा से या हमने साइड्स टूट बार हमारे पास या हमने जो है वो शॉर्ट की लगाई अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं ये हमारे पास एक प्रीव्यू है इसको चाहें तो आप ऑफ करें लेकिन ये ऑन होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी जो हम इधर सेटिंग्स करेंगे वो खुद ब खुद इधर प्रीव्यू में नजर आने होंगे प्रीव्यू का फायदा यही होता है कि जो एडिशन एडिटिंग आप कर रहे हैं जो चीज़ें आप इधर बदलेंगे वो फ़ौरन उनको यहाँ पर तब्दील कर देता है और हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा जो टेबल है जब ये जाकर ऑटो कैड में लगेगा तो उस वक्त इसकी शेप कैसी होगी शक्ल तो अब ये अभी हम जो है वो सेट फ्रॉम ए एम टेबल अभी हम एक बिल्कुल नया एम टेबल ड्रा करेंगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है फ्रॉम अ डाटा लिंक फ्रॉम अ डाटा लिंक मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी कोई जिस तरह हमने एक्सेल में कहा बना बनाया टेबल पड़ा है और उसको अगर हम चाह रहे हैं कैड के अंदर लाना ये हम ऑनवर्ड आगे जाके करते हैं फिलहाल हम एक एम्प्टी टेबल बाकी यहाँ पे हम कोई चीजें भी चेंज नहीं करेंगे अब हम सीधा ये जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉलम एंड रो सेटिंग्स के बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहें जो भी नज़र आ रही हैं अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट शायद न भी हों जो जो आपने ऑलरेडी ड्राइंग जब आपने बनाई और उसके अंदर जितनी आपने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रखी हैं वो पहले उतनी शो कर रहा है अब इससे मतलब है कि हमने पहले इस ड्रॉइंग में शायद कोई वर्क जो वगैरह किया या नहीं किया उसके दस कॉलम्स हैं या चौदह हमने उसकी कतारें रखी हुई हैं अब हम फर्ज करें इसको आठ जो है वो हम कॉलम कर लेते हैं और इसकी हम कोई दस कतारें कर लेते हैं तो हमने क्या किया हमने अपने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बदल दिया अब हमारे पास आ रही है कॉलम विड्थ हमेशा जब भी आप एक कॉलम देखते हैं उसके अंदर कुछ लिखा होता है तो यही ये समझ लें तो ये हमारे पास अगर एक कॉलम है तो इस कॉलम की जो है वो एक विड्थ भी है तो हम अगर चाहें तो इस विड्थ को अगर ऑलरेडी ये जो है वो टू एंड हाफ तो हम इसको एट और जब भी हम लिखते हैं हमने पहले भी ये बात क्लियर की थी कि जब हम विदाउट यूनिट कोई चीज लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटो कैड जो है उसको इंचेज में अगर आपके यूनिट्स आर्किटेक्चरल में सेट हैं तो वो उसको इंचज में कंसीडर कर लेगा हमने एट लिखा और उसने एट के साथ खुद ब खुद इंचज लिख लिए यानी जो आप विदाउट यूनिट लिखेंगे तो वो उसको इंच कंसिडर करेगा और रो हाइट ये हमारे पास रो हाइट भी मौजूद है तो हम इसको फर्ज करें कुछ भी कर लेते हैं छः कर लेते हैं और छः को यह इंचज अब ये हमने दो चीजें अभी इसके अंदर सेट की हैं कॉलम चेंज किए हैं और उनकी विर्थ या रो हाइट और अगर आप चाहें तो आप सेम भी कर सकते हैं अब हम नीचे आते हैं अब यहां पे है सेट सेल स्टाइल फर्स्ट रो सेल स्टाइल या हमें अब ये एक्चुअली हमारा सेल है ये जो नजर आ रहा है ये हमारा एक सेल है अब यहाँ पर वो हमें सेल स्टाइल्स की बात कर रहा है सबसे पहले वो कह रहा है कि ये जो हमारा फर्स्ट सेल है जिसको अभी टाइटल आ रहा है अगर आप चाहें तो इस सेल को डेटा में भी लेके आ सकते हैं कि आप कहते नहीं टाइटल नहीं पहले सेल में मेरे तीन ही जो है वो यहाँ पे सेल्स बनने चाहिए पहली रो में और यहाँ पर ये लिखा हुआ हो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो इसको हैडर का नाम भी दे सकते हैं जो अक्सर हमारी अब वर्ल्ड में हम काम कर रहे होते हैं तो हमने टाइटल के ऊपर हैडर रखा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैरल हम यहाँ पे टाइटल में वर्क कर रहे होते हैं कोई भी टेबल देखते हैं उसका टाइटल हमेशा जरूर लिखा हुआ होता है तो हम यहाँ पे टाइटल यहाँ हमारे पास हैडर अगेन सेकेंड रो ये जो हमारे पास नजर आ रही है इसका भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे आप हेडर की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर हम हेडर की बात करते हैं जब हम देखते हैं अभी हम रिजल्ट कार्ड बनाएंगे भी सही तो ऊपर रिजल्ट कार्ड का टाइटल होता है फिर ये जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लिख रहे होते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने थे और टेन मार्क्स कितने थे टोटल नंबर कितने हैं परसेंटेज कितनी है एट्सेट्रा और आल अदर रो सेल टाइप्स बाकी जो आपके सारे सेल्स हैं उनको हम हमेशा डाटा में ही रखते हैं क्योंकि उसके अंदर हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं जैसे ही हम इन सेटिंग्स को करेंगे तो हम यहाँ से ओके प्रेस करते हैं तो ये हमारे सामने एक टेबल जो है वो नज़र आ रहा है और स्पेसिफाई इंटरसेक्शन पॉइंट अब वो आपसे कह रहा है कि आपने इसको कहाँ पे इंसर्ट करना है कहाँ पे पेस्ट करना है आप स्क्रीन में जिस जगह पे भी पेस्ट करेंगे जैसे ही हमने पेस्ट किया और बाहर हमने क्लिक कर दी तो ये हमारे पास हमारा एक टेबल जो है वो जितनी भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेट की थी और हमने सेट किया था कि यहाँ पे टाइटल आना चाहिए स्टार्ट में तो उसने टाइटल की जगह दी हुई है और ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं तो इस तरह हम एक टेबल को ऑटो कैड के अंदर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं इन्जर्ट कर सकते हैं फ्राम डिफरेंट मैथड्स हमने देख लिए और विद सेटिंग्स uh, जो हमने कुछ सेटिंग्स की हैं तो ये हमारे पास इस तरह हो गया